तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस क्लिप के अंदर देखा कि फ्री फायर में हेडशॉट हैक यूज करने पर फ्री फायर टीम की तरफ से आईडी सस्पेंडेड कर दिया गया। तो दोस्तों, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं और आप अपने फ्री फायर आईडी पे हेडशॉट हैक यूज किया था या फिर कोई अलग हैक यूज किया था या फिर दोस्तों आप अपने फ्री फायर आईडी के साथ ऐसा कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज किया था जो कि दोस्तों फ्री फायर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, और ऐसे में अभी आपका फ्री फायर आईडी को सस्पेंडेड कर दिया गया है। और आप जब भी अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाता है कि देयर आर एबनॉर्मल एक्टिविटीज इन योर अकाउंट, इट हैज बीन सस्पेंडेड। मतलब दोस्तों, आपका फ्री फायर आईडी जो है वो सस्पेंडेड हो चुका है, और अभी आप अपने फ्री फायर आईडी को अनसस्पेंडेड करने के लिए काफी सारे ट्राई भी कर चुके हैं और यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस भी देख चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ही मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप अपने फ्री फायर आईडी के साथ ऐसा कोई इनलीगल एक्टिविटीज किया था जो कि फ्री फायर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो ऐसे में दोस्तों आपका फ्री फायर आईडी अनसस्पेंडेड होने का चांस बहुत ही कम है। फिर भी दोस्तों, आप फ्री फायर से हेल्प ले सकते हैं, मतलब दोस्तों फ्री फायर टीम को आप मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप गिरेना टीम को सही तरीके से मेल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप गिरेना टीम को सही तरीके से मेल नहीं करेंगे तो आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा और आपका फ्री फायर आईडी अनसस्पेंडेड भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आपका फ्री फायर आईडी सस्पेंडेड हो चुका है तो गिरेना टीम को कैसे आप सही तरीके से मेल कर सकते हैं जिससे आपका फ्री फायर आईडी अनसस्पेंडेड कर दिया जाए, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर गेम को ओपन करके उस आईडी को लॉगिन किया है जिस आईडी को सस्पेंडेड किया गया है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि देयर आर एबनॉर्मल एक्टिविटीज विद योर अकाउंट, इट हैज बीन सस्पेंडेड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, कन्फर्म और हेल्प। तो कन्फर्म पे प्रेस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में मेरे सामने कुछ इस टाइप से दिखाया गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हूँ तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे अकाउंट इशू का ऑप्शन दिया गया है। इस पे प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अकाउंट बैन वाले ऑप्शन पे प्रेस करके सिंपली से यहाँ पे नीचे आके जैसे ही मैं यहाँ पे हाउ टू सबमिट ए रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सही तरीका दिखाया गया है। मतलब दोस्तों, कैसे आप गिरेना टीम को सही तरीके से मेल कर सकते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पे सही तरीके से दिखाया गया है। तो इसी तरीके से ही दोस्तों आपको गिरेना टीम को मेल करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो आप अभी यहाँ पे देख लीजिए। मैं इसी प्रोसेस में ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप गिरेना टीम को सही तरीके से मेल कर सकते हैं अपना आईडी अनसस्पेंडेड करने के लिए। तो इस प्रोसेस में करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोला गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करने के लिए साइन इन वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका फ्री फायर आईडी जिस भी अकाउंट से बना हुआ है उस अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो जिस आईडी को मेरा सस्पेंडेड किया गया है वो वाला आईडी मेरा फेसबुक आईडी से बना हुआ था। तो सिंपली से मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन डिसेबल दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तीर का निशान दिया गया है इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऐसे में मुझे यहाँ पे ब्राउजर में इसे ओपन करने के लिए बोला गया है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन डिसेबल यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना क्रोम ऐप ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ऐप ओपन कर लिया है, उसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप करना है गिरेना हेल्प सेंटर। तो ये डाल के जैसे ही आप सर्च पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो पहले वाला ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इसी वेबसाइट पे आपको प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे दोस्तों तो ऐसे में दोस्तों फ्री फायर के अंदर जो हेल्प पे प्रेस करने पर जैसा इंटरफेस दिखाया गया था ठीक वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख
सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली से यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों ठीक वैसे ही इंटरफेस दिखाया जाएगा जैसे फ्री फायर के अंदर दिखाया गया था। तो आपको यहाँ पे उस अकाउंट से लॉग इन होना है जिस अकाउंट से आपका फ्री फायर आईडी बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्लीज लॉग इन टू योर फ्री फायर अकाउंट। तो यदि आपका फ्री फायर आईडी फेसबुक से बना हुआ है तो इस केस में आपको यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। लेकिन फेसबुक पे प्रेस करने से पहले आपको यहाँ पे सिंपली से टाइप करना है facebook.com। उसके बाद दोस्तों क्रोम बीटा के अंदर मतलब क्रोम ब्राउजर के अंदर अपना फेसबुक आईडी को लॉग इन कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे उस फेसबुक आईडी को पहले से ही लॉग इन कर लिया है जिस फेसबुक आईडी से मेरा फ्री फायर आईडी बना हुआ है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आपका फ्री फायर आईडी ईमेल आईडी से बना हुआ है तो ऐसे में दोस्तों क्रोम ब्राउजर के अंदर अपना ईमेल आईडी लॉग इन कर लेना है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से ही लॉग इन है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि जिस भी अकाउंट से आपका फ्री फायर आईडी बना हुआ है उस पर प्रेस करके यहाँ पे साइन इन होना है। तो मेरा फेसबुक से बना हुआ है तो जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी लॉग इन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे लोगो में samrat.gamer दिखाया गया है, तो ये वाला नेम फ्री फायर आईडी का गेम नेम है। तो आपके फ्री फायर आईडी का जो भी गेम नेम होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली से आपको अपने गेम नेम पे प्रेस करना है। प्रेस करने पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सबमिट ए रिक्वेस्ट, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर आपको सिंपली से प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स देखने को मिलेगा। तो जिस भी ऐप को आप यूज करते थे मतलब जिस ऐप में आप फ्री फायर आईडी को लॉगिन करके खेलते थे उस ऐप पे आपको प्रेस करना है। तो मैं फ्री फायर में खेलता था, मैं यहाँ पे फ्री फायर में प्रेस कर दिया है। तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा फ्री फायर यू आईडी और गेम नेम यहाँ पे आ चुका है। तो आपका भी यहाँ पे फ्री फायर गेम नेम और यू आईडी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि नीचे जो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपका फ्री फायर आईडी सस्पेंडेड हुआ है और ऐसे में आप मेल करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे गेम कंसर्न्स वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस पे आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको यहाँ पे चूज करना है टेक्निकल इशू। तो टेक्निकल इशू वाले ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉक्स में टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रिक्वेस्ट लिखना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इस टाइप से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब दोस्तों क्यों आपका फ्री फायर आईडी को सस्पेंडेड किया गया, आपको क्या लगता है किस रीजन से आपका फ्री फायर आईडी सस्पेंडेड हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपली से लिखना है। दोस्तों जो भी आपके साथ हुआ है वो ही आपको लिखना है, लेकिन प्रोसेस कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो आप यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन डालने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फ्री फायर आईडी का प्रोफाइल का मतलब आपका फ्री फायर का जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही है दोस्तों फ्री फायर टीम को रिक्वेस्ट करने का तरीका। तो इसी तरीके से ही आप अपने फ्री फायर आईडी को अनसस्पेंडेड करने के लिए फ्री फायर टीम को मेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ही घंटे के अंदर आपको गरीना टीम की तरफ से रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि कैसे आप फ्री फायर टीम को सही तरीके से मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि गेनर टीम को मेल करते ही आपका फ्री फायर आईडी को अनसस्पेंडेड कर दिया जाए। दोस्तों ये फ्री फायर टीम पर डिपेंड करता है कि आपका फ्री फायर आईडी अनसस्पेंडेड किया जाए या नहीं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि फ्री फायर कम्युनिटी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के साथ जो भी ऐसा काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो
आप लोग अगर ध्यान में रखिएगा कि आप अपने फ्री फायर आईडी के साथ ऐसा कुछ काम नहीं करिएगा जो कि फ्री फायर के खिलाफ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फ्री फायर जानकारी के वीडियोस डेली डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।